तुम्ही ना होते तो ये दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लाला जार करता कौन। यूं तो हजारों लोग है जमाने में, लेकिन वतन के वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। नमस्कार दोस्तों, देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत के जवान की रविवार सुबह नागालैंड में मौत हो गई। जवान की शहादत की खबर सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर है। बताया गया है कि असम राइफल में हवलदार के पद पर तैनात जवान धर्मेंद्र ने आज सुबह शहीद हो गए हैं। खबरों के मुताबिक छपरौली थाना क्षेत्र के मुकंदपुर गांव निवासी धर्मेंद्र नागालैंड में असम राइफल में हवलदार के पद पर तैनात थे। आज सुबह परिजनों को जैसे ही उनकी शहादत की सूचना मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। जवान का पार्थिव शरीर रायबार सारम पालम एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ वीर जवान को अंतिम विदाई दी गई। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी हवलदार धर्मेंद्र जी की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश पर मर मिटने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।